राजस्थान में सहाड़ा, राजसमंद, वल्लभ नगर और सुजानगढ़ में चुनाव होने हैं। ये उपचुनाव इसलिए होने हैं क्योंकि कोरोना के चलते इन चार विधायकों का निधन हो गया था। अब क्योंकि चुनाव सामने है, हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन प्रचार में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जुटते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसान सम्मेलन के नाम पर 27 फरवरी को बड़े सम्मेलन हुए और उनमें कांग्रेस पार्टी ने बड़ी तादाद में जनता को भी इकट्ठा किया, इससे साफ दिखता है कि वो इन चारों सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों में जो प्रचार होता है उसका शंखनाद कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूरा इस्तेमाल करेंगे, तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। और जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ही हेलीकॉप्टर में पहले डूंगरगढ़ पहुंचते हैं और फिर उसी हेलीकॉप्टर से मातृकुंडिया पहुंचते हैं, उससे साफ संकेत थे कि अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो बर्फ जमी हुई थी वो अब पिघलने लगी है। और जिस तरीके से सचिन पायलट को इन सभाओं में बुलवाया गया, उससे साफ है कि सचिन पायलट का उपयोग अब कांग्रेस पार्टी इन उपचुनाव में पूरी तरीके से करेगी। लेकिन एक बात और भी साफ है कि जहां दो सीटों पर कांग्रेस को सचिन पायलट की आवश्यकता है, तो दो सीटें ऐसी भी है जहां सचिन पायलट खुद स्वेच्छा से प्रचार करना चाहते हैं। दरअसल सुजानगढ़ से दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है और अगर उनके बेटे को टिकट दी जाती है तो सचिन पायलट उस सीट को जिताने में पूरा जोर लगा देंगे। तो वहीं जिस तरीके से वल्लभ नगर के विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत सचिन पायलट के इतने करीबी थे कि वो उनके साथ बगावत का धंधा थाम कर मानेसर भी चले गए थे, तो ऐसे में उन दो विधायकों की अगर परिजनों को टिकट दिया जाता है तो फिर सचिन पायलट पूरे जी जान से इन सीटों को जिताने में जुट जाएंगे। तो वहीं बाकी बची दो सीटें जिनमें सहाड़ा और राजसमंद आती है, ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पर गुर्जर वोटर बहुत आयात में है और वो चुनाव जिताने और हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आज तो कल मतदान दिवस की घोषणा होगी और आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, जिस प्यार मोहब्बत से किसान भाइयों ने, दलितों ने, अड़ों ने, महिलाओं ने, पुरुष ने, नौजवान ने, सब लोगों ने जो वहां का आशीर्वाद कांग्रेस पर रखा, मैं आपसे विनती करता हूं कि जब भी मौका मिले उपचुनाव का आप सब लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद दें और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीटों पर सचिन पायलट की नाराजगी को नहीं झेल सकती है, तो ऐसे में इन दोनों सीटों पर सचिन पायलट की कांग्रेस पार्टी को जरूरत होगी। ऐसे में साफ है कि जिन दो सीटों पर सचिन पायलट खुद स्वेच्छा से प्रचार करना चाहते हैं और दो सीटों पर कांग्रेस को सचिन पायलट की जरूरत होगी, तो ऐसे में इन सीटों पर प्रचार और चुनाव जिताने के लिए सचिन पायलट कांग्रेस के साथ और कांग्रेस सचिन पायलट के साथ दिखाई देगी। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।